यहाँ मुंबई की धरती पर महाराज जी के आदेश से अपनी बात शुरू करने के साथ साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से नमस्ते। आप जी ने बोला है कि अपना परिचय दे दीजिए, तो क्योंकि मुझे मेरे काम से अभी आप लोग नहीं परिचित हैं, क्योंकि जब से आप लोगों ने मुझे जानना शुरू किया है तब से मैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ही बोलता आ रहा हूँ। पहले के लोग थे वो जानते थे। मैं बेसिकली बच्चों की एजुकेशन पे काम करता हूँ और मैं इंडिया का पहला पर्सन हूँ जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया है ग्राउंड पे कि हम 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है, कुदरत ने इसको कैसा दिमाग दिया है और यह कौन से काम करके उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को फील कर सकता है पूरी ज़िंदगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है माँ बाप के सामने कि उस बच्चे का हमने करें क्या, जब वो स्कूल से कॉलेज से बाहर आए तो उसके लिए एग्जैक्ट गाइडेंस। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ पे मछली पालन पे बात होती है, घोड़े पालने पे बात होती है, गाय पालने पे भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कुत्ते पालने पे भी हैं, सुअर पालने पे भी है, पर इंसान का बच्चा कैसे पालना इस पे कोई बात नहीं करता। तो आई एम द फर्स्ट पेरेंटिंग कोच इन इंडिया जिसने एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ किया मतलब। और हम लोग इस क्राइसिस से पहले मैं एक गांव में, हरियाणा के गांव में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने पे लगा हुआ था जिसमें 100% रोज़गार संभव है वहाँ की ही ज़रूरतों के हिसाब से और वहाँ पे मौजूद संसाधनों के हिसाब से बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के खर्च किए। उस पर हम लोग काम कर रहे थे, लेवल 3 पे हम लोग एंटर कर गए थे। तो फिर ये मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना आ गई जिसमें वो लीड करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे, जिसका जिक्र मुझसे पहले आने वाले सभी लोगों ने भी किया। हम लोगों को भी मालूम था, सुनील है मेरे साथ, सुनील शर्मा, ये वैदिक खेती के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। ही इज़ एमटेक, ही वाज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये अपना सब छोड़ के उस खेती को बचाने पे लगे हुए थे। ऐसे ही हमारे ग्रुप में आयुर्वेद पे काम करने वाले सुशील नरवाल भाई हैं और खेलों पे काम करने वाले आर्टिस्ट, और इस तरह से हमने हर एक फील्ड के लोगों को इकट्ठा किया था कि समाज को एक ऐसी दिशा देनी है कि उनकी खेती भी जहर मुक्त हो, उनका शरीर भी जहर मुक्त हो, उनकी रसोई भी जहर मुक्त हो, उनका आचरण भी, उनका दिमाग भी, उनका दिल भी, उनका समाज भी, सब कुछ जहर मुक्त हो, सबके सब शांति से रह सके। तो इस पे हम लोग काम कर रहे थे और खेती के 3 कानून आए। तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद जब मैंने उनको पढ़ा और मुझे समझ में आया कि लोगों को लग रहा है कि ये खेती के कानून है और ये किसानों के कानून है, लेकिन इनमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, जिसने भी पढ़ा हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, चाहे आपका APLM एक्ट का हो, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला हो, तीनों एक्ट्स के अंदर बहुत साफ लिखा हुआ था कि बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, कोटे से राशन लेने वाला और मतलब कुछ भी करने वाला हर आदमी बर्बाद होने वाला है, ये साफ लिखा हुआ था उनके अंदर। किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम लोगों में से किसी को पढ़ने की आदत ही नहीं है। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं इस सभा में 5 आदमियों ने नहीं पढ़ा होगा उन कानूनों को, क्योंकि हमें लगता है वो हमारे काम के ही नहीं है। मॉडल APLM एक्ट आया 2017 में, आपको पता ही नहीं है, ये आके रखा हुआ है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हम तो शहर में रहते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है खेती के कानूनों को पढ़ने की। ये भूल जाते हैं कि एक एक चीज, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे रोटी हो, चाहे पास्ता हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ हाथों खेत से ही रहा है। अब खेत में जहर बोएंगे तो जहर खाओगे, खेत में नपुंसक बीज डालेंगे तो नपुंसक औलाद पैदा करोगे, ये समझ नहीं रहे हैं और उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो अपने इस सिचुएशन को मैं 2016 में बंद कर चुका था। जिस वक्त मैंने इस पे काम किया था उस वक्त मैं आपको बताऊं कि बहुत मस्त लाइफ होती थी। महीने में 15 दिन कैंपिंग करते थे पहाड़ों में, 4 लोगों से मिलते थे, 2-2 साल की वेटिंग थी मेरी अपॉइंटमेंट की, 1 आदमी से मिलने का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लेते थे,
और अपना महीने में चार लोगों से मिलो और मौज करो, पूरा महीना ऐसे रहता था। बट जब एक चीज़ देखते हैं कि सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अपनी औलाद को रुपयों का ढेर तो देख जाएंगे, समाज तो नहीं बना पाएंगे, उस रुपयों के ढेर पे बैठे नाचेगा क्या, वो करेगा क्या उस बड़े महल का, जब उस महल के ऐसे बाहर निकलते हुए ऐसा समाज बना दिया जिसके अंदर नशा, मतलब नशेखोरी, पैसा, लालच और करप्शन और एक दूसरे के लिए नफरत और सब कुछ ऐसे ही चीजें होंगी, तो कैसी औलाद, मतलब क्या दे के जा रहे हैं अपनी औलाद को। ये सोच करके 2016 में मैंने अपना इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया था और गांव की तरफ चल पड़ा था कि गांव बचेगा तो देश बचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। लोगों के पास जाते थे, उनको कहते थे, लोग सोचते थे कि पिछले 35 साल में जो कचरा इन लोगों ने फैलाया है, वो ये सोचते थे कि शायद ये भी कुछ ना कुछ बेचने ही आया है, मतलब रिश्तेदारों को, या तो आप लोग, हम लोग, या तो वो मेंबरशिप वाली वो बेचा करते थे कि भाई कोई जो ये MLM होती है, फिर लाइफ इंश्योरेंस होती है, फिर कोई सेल्समैन कोई काम कर रहा है तो अपना सामान बेचना है कोई, तो उनको भी यही लगता था शायद ये कुछ बेचने आया है। बट जब 6 साल हो गए लोगों के बीच उनके अंदर टक्कर मारते हुए, और जब उन्होंने देखा कि यार ये 2018 में हम लोग इसको बोलते थे कि ये लोगों के बीच आके राजनीति करेगा, ये पक्का चुनाव लड़ेगा, तो 2019 का चुनाव भी चला गया। बोले यार तुम लड़े तो नहीं। मैं कहा मैं आया कहाँ था लड़ने के लिए यार, मुझे पता है इस कुर्सी में प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये कुर्सी गुलाम है उन लोगों की, मुझे मालूम है मैं वहां चला जाऊंगा नहीं बदल पाऊंगा। आपके समझे बिना एक एक आदमी जो स्टेक होल्डर है, जिसकी जिंदगी दांव पर है, जिसके बच्चों की जिंदगी दांव पर है, उसके समझे बिना नहीं बोलने वाला कुछ भी। आप मेरे को उठा के इसको रख देंगे, इसको उठा के किसी और को रख दोगे, बदल दोगे, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आप सिर्फ पार्टियां बदलोगे, 6 महीने में पार्टी वैसे की वैसी हो जाएगी। आदमी थोड़ी लड़ सकता है, पार्टी थोड़ी लड़ सकती है इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था से लड़ सकती है केवल व्यवस्था। और व्यवस्था बनाओगे आप, और वो कौन सी व्यवस्था बनेगी, वो सनातन व्यवस्था बनेगी। वो कौन सी सनातन व्यवस्था, वो व्यवस्था जो गांव में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले, उस कम्युनिटी में रहने वाले एक एक आदमी की रोटी सुनिश्चित करती है, वो व्यवस्था जो एक एक आदमी की इज्जत सुनिश्चित करती है, वो व्यवस्था जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कुर्ता पाजामा पहना है कि मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा ब्रांड पहना है, बराबर इज्जत मिलेगी। जो व्यवस्था ये नहीं देख रही है कि आप 4 क्लास पढ़े हो के अनपढ़ हो के PhD करी हुई है, बराबर इज्जत मिलेगी। आप चपड़ासी हो के, प्रिंसिपल हो के, प्रधानमंत्री, वी डोंट केयर, इंसान होने के नाते बराबर इज्जत पड़ेगी। वो व्यवस्था बदल सकती है इन चीजों को, नहीं तो लालच और इस तरह के माहौल में हम लोग अपनी बुलादों को बर्बाद माहौल देने वाले हैं, ये सोच करके वो लोगों को तब समझ में आने लगा कि यार आज तक इसने अपना कोई सामान नहीं बेचा। क्योंकि मेरा जो कस्टमर था वो एलीट क्लास था, वो बड़े बड़े शहरों से जाता था, मैं उससे लेके जितना पैसा मैं कमाता था, अपने जो खर्चे हैं उनको निकालने के बाद जितना पैसा बचता था, मैं अपना सारा डोनेट कर देता था, डोनेट इन द सेंस मतलब खर्च कर देता था गाँव पे। तो मैंने कभी सेविंग्स नहीं करी। आज सरकार के सामने छाती ठोक के जब पहली बार बोलने लगा था ना, तब मैं इसलिए बोलता था मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उखाड़ लो मेरा क्या उखाड़ोगे, मेरे पास कोई कागज ही नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं कमाया आदमियों के अलावा अपन ने, और आदमी है तो टेंशन ही कोई नहीं है। और इसलिए बोल पाए खड़ा होकर के, और इसलिए हम लड़ भी पाए। आज हालत यह है कि पूरे भारत के अंदर डर लगा हुआ है, कहीं घर घर दस्तक वाले ना आ जाएं, कहीं स्कूल वाले ना पूछ लें, कहीं ये ना कर दें, कहीं कोई अफसर ना पूछ दे। हरियाणा एकमात्र स्टेट और पहला स्टेट है कि जब घर घर दस्तक शुरू हुई तो एक भी गांव में एक भी टीम घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई, गांव में घर जाकर के। हरियाणा पहला स्टेट है जहां पे जब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो हमारे जिलों में पूरे जिले से रिपोर्ट आ रही थी कि आज कितने बच्चे गए भाई लगवाने के लिए, पता लग रहा है 0, पूरे जिले से रिपोर्ट 0। अब वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए हैं, सारे के सारे गुलाम बने हुए हैं और दलाल बने हुए हैं इन कंपनियों के। तो वो लोग चिट्ठी लिखते हैं DC को, तुम्हारे यहां पे नहीं हो रहा है भाई वैक्सीन, ओ तो फिर क्या करें जी,
अगर लोगों को बोलते हैं तो खाने को दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं खाने को? क्योंकि कुछ लोगों ने शुरू में पूछा हमसे कि जी बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर डूब मरो, औलाद पैदा कर दी है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो डूब मरो। डूब मरना चाहिए ना, क्यों पैदा किया अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो? कि जी तनख्वाह नहीं निकालेंगे, हाँ आज तनख्वाह के लिए बाजू अड़ा रहे हो, कल को शरीर का कोई भी अंग अड़ा दोगे ना उसके आगे, मतलब तुम अपने शरीर को बेच दोगे क्या डर के तनख्वाह के लिए? अरे भाई, पैसे के लिए शरीर देना कौन सा तरीका है भाई? शरीर का एक पार्ट ये दे दिया तो दूसरा पार्ट भी देने में क्या दिक्कत है? तब लोगों को समझ में आया, यहां लगा उनको कि हाँ यार ये मतलब कुछ ना कुछ तो वैसे उल्टा बोलता है पर ठीक बोलता है। तो वो हेनरी किसिंगर की एक बात याद है किसी को, वो बोलता है कि ऑयल कंट्रोल कर लो आपके देश कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने देखा यार ऑयल भी कंट्रोल, अब वो ऑयल वाला दिन टाइम गया, अब डेटा चाहिए उनको। तो अगर आप फूड कंट्रोल कर लो तो इंसान कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखिए ना, मदारी देखा है ना, मदारी बंदर को नचाता है ना, डुक 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 बजाते डुगिया, और इधर डंडी मारता है बंदर, इधर आके बैठता है, इधर मारता है इधर आके बैठता है। कैसे? पहले 3-4 दिन भूखा रखा जाता है, फिर उसको जब वो एक्टिविटी करता है तो तब एक बाइट दी जाती है। तो बंदर को पता लगता है कि भाई रोटी तब मिलेगी जब मैं वैसे करूंगा जैसे करूंगा। आपके साथ भी तो ऐसे ही किया गया ना, रोटी से जुड़ी चीजें तब कर पाओगे जब सर्टिफिकेट दिखाओगे, नहीं तो भूखे मार दिए जाओगे। 2 साल प्रोग्रामिंग यही तो करी आप लोगों के साथ कि पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं निकलेगी, हाजिरी नहीं निकलेगी, ट्रैवल नहीं करने दिए जाओगे, आपको सचिवालय में जाने नहीं दिया जाएगा, दफ्तरों में नहीं घुसने दिया जाएगा, यहां तक कि पूजा स्थलों में भी नहीं जाने दिया जाएगा। तब भगवान के सामने भी तुम लोगों को, मतलब वो भगवान नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे सारे धर्म गुरुओं ने बोल दिया कि धर्म धर्म नहीं है कुछ, भगवान भगवान कुछ नहीं है, बस यही कंपनियां हैं सब कुछ, यही बचाएंगे तुमको। जबकि सदियों से जीते आ रहे हैं इन वायरसों के साथ, बीमार होते हैं होते रहे हैं, कॉमन सेंस की हत्या कर दी। बोलते हैं भाई बीमारी आ रही है, अच्छा कैसे पता लगा? कि बिल गेट्स की मीडिया बता रही है। अच्छा मीडिया बता रही है, पहले मीडिया बता रही है, टेलीविजन में पहले आ रहा है, प्रधानमंत्री बाद में बोलता है, मंत्री बाद में बोलते हैं, डॉक्टर उसके बाद बोलता है, मतलब कितना कमाल है। डॉक्टर से पूछो डॉक्टर कहता है भाई मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा वो एक्सपर्ट्स कौन है? इस टास्क फोर्स में एक्सपर्ट्स कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया वाले, जिनको वायरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, वो एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा जी फिर बीमारी कितनी बहुत खतरनाक है, कितनी खतरनाक? अमेरिका में लोग मर रहे हैं, इंग्लैंड में मर रहे हैं, ब्रिटेन में मर, यार हमारे पड़ोस में तो नहीं मर रहे हैं, तू पागल है क्या? टेलीविजन झूठ थोड़ी बोलेगा, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलेगा। अरे मेरे आसपास कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है टेंशन नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन आ जाएगी, अब टेंशन मत लो, थोड़े दिनों में पता कैसे लगेगा बीमार हूं मैं? तुमको टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा मेरे शरीर में सिम्टम पता चल जाएंगे ना, क्योंकि साइंस और विज्ञान और कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जब मैं बीमार होऊंगा तो मेरा शरीर मुझे बता देगा कि तेरे को शरीर के कौन से हिस्से में दिक्कत है। बोला ना, कई बार सिम्टोमेटिक होता है, पता कैसे चलेगा? कि तुमको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट तो पूरा 100% फुल प्रूफ है ना? ना वो वैसे इस बीमारी के पता लगाने के लिए नहीं है, वो तो कुछ और डायग्नोस करने के लिए था। फिर 100% प्रूफ भी नहीं है, नहीं नहीं फॉल्स नेगेटिव भी दे देता है। फॉल्स नेगेटिव दे देता है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव देता है। पॉजिटिव तो पक्का पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। अच्छा मैं बीमार नहीं हूं, सिम्टम नहीं है, नेगेटिव भी आ गया, फिर तो मुझसे किसी को खतरा नहीं है। नहीं नहीं तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम कैरी कर सकते हो। अच्छा बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? 1000 गुना आपकी
इम्यूनिटी है बच्चों की, बच्चों को नहीं टेंशन है कुछ भी ना इसकी, कहते नहीं बच्चों को बीमारी नहीं होती है, लेकिन बच्चे कैरियर हैं, वो बुजुर्गों को कर देंगे, वो बुजुर्गों को मार देंगे। इसलिए बुजुर्गों को और बच्चों को दूर रखो, क्योंकि बुजुर्गों के पास ज्ञान है, अगर गलती से बैठ गए तो दे दिया तो पता चल जाएगा कि ये, और 1918 में भी यही षड्यंत्र हुआ था, पता चल जाएगा कि पहले भी होता आया लगातार आप लोगों के साथ। क्या बात करते हो यार, चलो मान ही लेते हैं, इतना टेलीविजन, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कॉलर ट्यून भी लगा रखी है, बैनर्स भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, 24 घंटे सारे नेता बोलते हैं, जब भी लोगों में थोड़ा सा डर थोड़ा कम होने लगता है तो नेताजी फिर कह देते हैं मैं क्वारंटाइन हो रहा हूँ, भाई जो जो मेरे संपर्क में आया जल्दी से टेस्ट करा लो क्योंकि मेरा पॉजिटिव आ गया है। क्योंकि बड़े नेता की अखबार में छपती है, टीवी में आती है, लोग सोचते हैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना झूठ बोल रहा होगा, उनको क्या पता कि बड़ा आदमी झूठ बोलता है, गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता भाई, उसे कुछ लेना ही नहीं है किसी से। अब वो बोलते हैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि एक दवाई बनाई है, अच्छा डॉक्टरों ने बनाई है, नहीं डॉक्टर का तो आज तक पता ही नहीं है किसने बनाई, किसी वैज्ञानिक ने बनाई, वैज्ञानिकों की टीम ने बनाई, अरे कुछ तो नाम होगा उस वैज्ञानिकों की टीम का, भाई वैज्ञानिकों की टीम का तो पता नहीं पर उनका मालिक बिल गेट्स है। अच्छा, और पता चलता है कि जिस वायरस के नाम पे प्रोपेगेंडा आ रहा उस वायरस का मालिक भी वही है। यार बीमारी का भी पेटेंट होती है क्या, बीमारी का वायरस भी पेटेंट, उसका इलाज भी पेटेंट, और उसका मालिक कौन, बिल गेट्स। अब बिल गेट्स कहां कहां घुसा हुआ है, बिल गेट्स को 2016 में दिया था ना ये वो पद्म भूषण, 16 जनवरी में उसको पद्म भूषण अनाउंस होता है, और जब हम देखते हैं कि उसी वक्त है 15 में अनाउंस होता है, और उसी वक्त नीति आयोग बनाया जाता है, प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन क्या काम करता था, पूरे देश की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर वहां से सुझाव मांग के उनके हिसाब से प्लानिंग देता था। वो बोले प्लानिंग कमीशन बेकार, जैसे बनी बनाई बिल्डिंग नई पूरी तरह से काम कर रही को एकदम बम से उड़ा दिया जाता है ना भाई, आप लोगों के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो क्या करते हैं, पुराना मकान चाहे काम चला रहा हो लेकिन नहीं हमको नए वाला चाहिए, तो वो पुराना प्लानिंग कमीशन खत्म, नीति आयोग बना, नीति आयोग में कौन बैठा, नीति आयोग में प्रधानमंत्री चेयरमैन बना, और उसके जितने मुख्यमंत्री हैं सारे उसके मेंबर बने, और कमाल की बात उसको सीईओ कौन, अमिताभ कांत, वो भी अंबानी अडानी बिल गेट्स का गुलाम। अमिताभ कांत का डायलॉग याद है, वो बोलता है देयर इज टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया, और प्रधानमंत्री का डायलॉग याद है, वो कहता है कि ये देश का सत्यानाश अधिकारों की मांग करने की वजह से हो रहा है, तुम लोग अपने राइट्स पे बात करते हो ना इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये दोनों चीजें आपको किस तरफ लेके जा रही हैं शायद समझ में आ जाएगा, कि टू मच डेमोक्रेसी भी खत्म करनी है और आपको आपके अधिकारों से बात भी नहीं करनी है, और यही कारण था कि 2 साल में आपने अपने अधिकारों को ऐसे प्लेट में रख के सरेंडर किया है, मतलब सड़क पे चलते हुए उसके बाप को लठ मार रहा है पुलिस वाला और औलाद उसकी तरफ देख के हंस रही है वीडियो बना के कि ठीक किया क्योंकि बीमारी फैला रहा था, हिम्मत नहीं थी, नपुंसकता इतनी हो गई, अंदर से खत्म हो गए, औलाद को मार रहे हो चाहे बाप को मार रहे हो, माँ को कुछ कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, अपनी माँ को बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया, 43 साल मेरी होने को है उम्र, मैंने आज तक, मेरी माँ आज तक बैंक में नहीं गई यार, मैंने नहीं लाइन में खड़ा करा कभी आज तक, प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया, समझ में नहीं आई क्योंकि कॉमन सेंस की हत्या कर रखी है, ठीक कैसे हो गए, वो बिल गेट्स वाली जो दवाई थी उससे ठीक हो जाओगे क्या, हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता, अच्छा फिर तो साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना उसके बाद, कहता आ सकता है, फिर क्या फर्क है, बोला उतनी बुरी तरह से पॉजिटिव नहीं आएगा, अच्छा कोई नुकसान तो नहीं है ना उसका, कि 1 लाख में 1 आदमी नुकसान है, ऐसा बनाया गया नैरेटिव कि 1 लाख में 1 आदमी को नुकसान है, अच्छा वो 1 लाख अगर मैं हुआ और मैं घर में कमाने वाला हूं, कुछ तो गारंटी लेगी ना सरकार, कोई कंपनी, कोई जो दवा बना रही है, जो इंजेक्शन बना रही है, वो कंपनी तो गारंटी ले लेगी ना भाई, 1 लाख में 1 है, कोई ज्यादा नहीं है, तो तुम लोग, तुम्हारे को घर वालों की टेंशन नहीं है, इतना पैसा तुमको मिल, नहीं नहीं पैसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वॉलंटरी है, अच्छा वॉलंटरी है, चलो फिर मैं नहीं लगवाता हूं क्योंकि इसमें खतरा है, अरे नहीं लगवाना चाहिए,
क्योंकि इससे पॉजिटिव भी आ रहा है यार, आप इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने, नहीं पता इससे मर भी सकता है क्या? हाँ मर भी सकता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं मरेगा। ये वर्ड सुने हैं हमने डॉक्टरों के मुंह से कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो के नहीं मरेगा। यार कैसे भी मर रहा हो, एकदम मरे के क्रिटिकल हो के तुम मार ही रहे हो ना। और उसके बाद ये बोलते हैं कि चल ठीक है वॉलंटरी है, मैं नहीं लगवाता हूँ। वो बोलते हैं ना लगवाना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि तुमको फिर स्कूल भी जाना है, पेपर भी देने हैं, सचिवालय में भी काम है, बस में टैक्सी में सब जगह पूछा जाएगा। तब गड़बड़ समझ में आई कि ना भाई धक्काशाही नहीं चलेगी, देश के मालिक जनता है, जनता सरकार, तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो। इसीलिए हमने हरियाणा में फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिन लोगों से लंबी मुलाकात थी उनको बताया कि भाई देखो ये खेल चल रहा है, तुम्हारी औलादों की बर्बादी तय है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यार सरकार इतना बुरा क्यों चाहेगी, पूरी दुनिया में ये सच चल रहा है, फिर ये इतने बड़े जो ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी नहीं है भाई, सारे साइंटिस्ट, सारी मीडिया, सारे धर्मगुरु, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे एनजीओज, हर कोई कमाल की बात। देखो गेम, आप उस वक्त का दौर याद कीजिए जब 2020 में इस प्रोपेगेंडा को लाया गया था, आपकी RWA, आपकी मार्केट एसोसिएशन, आपकी मंडी एसोसिएशन और आपकी यूनिवर्सिटीज के चेयरपर्सन और बाकी जगह सब जगह सरकार जिसकी है उस पर्टिकुलर राज्य में उसका आदमी बिठाया गया था। पहले कोई बोल ही नहीं रहा था सरकार के खिलाफ, वो आपको ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये तो जो है ना सरकार आपके साथ गलत नहीं करेगी कभी भी, इस तरह का माहौल बनाया उन लोगों ने। और कोई नहीं बोला तो फिर हम लोगों के बीच गए कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में है, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। जब वो फैक्ट हमने उनके सामने दिखाए, सबसे पूछा, सबने पूछा चाहते क्या हैं वो लोग, मैंने कहा ये चाहते हैं कंट्रोल होना चाहिए हमारा, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, और खाना पीना चलना उठना बैठना हगना मूतना सब हमारे हिसाब से होगा, हम कहेंगे तो कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फूड कंट्रोल तो पीपल कंट्रोल ना, तो फूड को कंट्रोल करने का खेल था। मैंने कहा फूड तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि फूड तो किसान उगा रहा है। वो बोलता है गांव में एक आदमी, खाना कैसे कंट्रोल कर लेंगे, 65% किसान है, इतनी जमीन पे खेती करते हैं। मैंने कहा अमेरिका में भी यही हाल था, 3,00,000 acres जमीन लेके बैठा है बिल गेट्स अकेला, सारी जमीन खाने वाली जितनी उपजाऊ जमीन है उसकी है, और जो बाकी बची है सब बंजर हो चुकी है, या तो खेती ऐसी करवा दी अफीम की करवा के या कोई और करवा के नील की करवा के, या तो उसको बंजर बना दिया या पेस्टिसाइड डाल के जहरीली बना दी, नहीं तो अंडरग्राउंड पानी खत्म कर दिया, तो उसके पास या पानी नहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे भारत में नहीं हो सकता? भारत में क्यों नहीं हो सकता भाई, 90% किसानों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन पे रखी है, 99% बता रहे हैं क्योंकि ये खेती पे काम करते हैं सुनील भाई, 99% खेती किस पे रखी है, लोन पे रखी है जमीन। जिस दिन किसान को ये कह दिया गया कि जमा करा नहीं सकता, क्योंकि उसने वो लोन लेके क्या काम किया हुआ है, या तो घर पे लगा दिया, या मोटरसाइकिल खरीद ली, या बड़ी कार खरीद ली, या कुछ ऐसा काम धंधा छेड़ लिया, दो ही काम है, या तो कोई बिजनेस शुरू कर लिया, या किसी को आगे लोन पे दे दिया कि 4% पे मिलता है 24% पे दे देते हैं। पता लगता है कि जिसको 24% पे दिया उसका धंधा तो लॉकडाउन ने बिगाड़ रखा है, तो वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। तो जिस दिन बैंक ने कह दिया जमा कराओ, मैक्सिमम किसानों की जमीन बैंक में पहुंच जाएगी, और बैंक ने हमारे हरियाणा में तो लैंड बैंक तक बना रखा है कि आपकी जमीन अगर गिरवी होगी तो सरकार के पास जाएगी, और सरकार उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे किसी भी बड़ी कंपनी को दे सकती है। अच्छा फिर भाई क्या करना पड़ेगा कि किसान को खेती को घाटे का सौदा बनाया जाएगा, तो हम जो है ना खर्चा इतना कर दिया जाएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है फिर हम खर्चा ही नहीं करेंगे। अच्छा कैसे बचोगे कैसे, कि हम तो अपनी बैल से खेती कर लेंगे। कैसे कर लोगे, हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए,
लेकिन मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में बना के रख रखा है कि एक से ज्यादा बैल रखने पे कैद है किसान को, और बैल वन्य प्राणी है, आप उसको घर में बांध नहीं सकते, पेटा वाले आ जाएगी मेनका गांधी। अच्छा जी, गड़बड़ हो गई तो फिर अच्छा, रसोई गैस को तो काबू करने वाले हैं, घरों में पहले सिलेंडर लेके आते थे, अब ये कह रहे हैं नहीं बढ़िया रहेगा तुम ना पाइप ही लगवा लो, सीधा उधर से कनेक्शन ही आ जाएगा, सिलेंडर महंगा पड़ता है गैस सस्ती पड़ती है, तो जैसे आपका इंटरनेट बंद कर देते हैं, जैसे आपका पानी बंद कर सकते हैं, जैसे आपकी बिजली बंद कर सकते हैं, वैसे आपकी गैस भी बंद हो गई तो उस दिन खाना कैसे बनाओगे, उनके हाथ में है ना। अच्छा, फिर रसोई गैस की जगह हम तो चूल्हा जला लेंगे, चूल्हा कैसे जला लोगे, पर्यावरण के नाम पे एजेंडा 2030 आ रहा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट कंट्रोल के नाम पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पराली जलाने पे नाम पे था ना, लाखों रुपए का जुर्माना दोगे लकड़ी जलाने पे, कैसे चल रहा होगे, रोटी नहीं बना सकते, ये कानून आ रहा है यार। हम थोड़ी बोलेंगे बारिश के हिसाब से हो जाएगी खेती, किससे करोगे खेती, किससे करोगे, बीज है ना, बीज के बिना खेती कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो बीज सारा का सारा बिल गेट्स के पास पड़ा है, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में 3.5 लाख बीजों पे पेटेंट कराया बैठा है अकेला। बीज और खेती की बात है, रोटी की बात है, क्योंकि सुनील खेती पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं चाहूंगा 5 मिनट सुनील अपनी बात रखे, आप लोगों की इजाजत है तो है? सुनील भाई आप संभालिए एक बार थोड़ी सी कमान, आप लोगों में से तीस्ता सेतालवाद वाला सेटलवाद वाला केस किस किस को मालूम है? हाँ, एटीएस उसको लेके गई, वो उन्होंने क्या बोला कि दोबारा से उसकी जांच होनी चाहिए, जो 2002 में हुआ, जो गोधरा में हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये करवाया गया था और ये लोग दोबारा से करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जो ये अग्निपथ ला रहे हैं ना, ये जो अग्निवीर बना रहे हैं, क्योंकि आपके घरों में घुस नहीं सकती, आशा वर्कर को रोक दिया गया, अब आंगनबाड़ी वर्कर भी खुद नहीं आ रहे हैं क्योंकि साइड इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो अब बेल्ट वाला आदमी चाहिए उनको, पुलिस जो है उसको सिक्योरिटी पे लगा के रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल करने के लिए थाने में भी कम पड़ी हुई है पुलिस हर जगह पे, तो अब इनको वो लोग चाहिए, अब आम जनता से तो लोग नहीं जाएंगे, और इधर नागपुर में इनका कार्यालय है, तो नागपुर में तो वो सिर्फ लाठी भांजना सिखाते हैं, गोली चलाना तो नहीं सिखाते हैं, तो बंदूक देने का हक अब अग्निवीर के थ्रू देने वाले हैं, और ये हर सरकार ऐसा कर रही है, चाइना के अंदर ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि बंदूक वाले लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने पे लगे हुए हैं। आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर अपने बच्चे की भलाई चाहते हो, अगर सच में उसकी सुरक्षा के लिए बात करना चाहते हो, तो पूरे मुल्क में किसी के खिलाफ भी अगर कुछ हो रहा है ना, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो बोलना पड़ेगा, बोले बिना बात बनेगी नहीं, घर में बोलिए, पड़ोस में बोलिए, सड़क पे बोलिए, सोशल मीडिया पे बोलिए, व्हाट्सएप मैसेज पे बोलिए, जहां बोल सकते हैं बोलिए, ये सोच करके चुप रह गए ना कि सरकारें बहुत मजबूत होती हैं, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसा ये दौर आया है कि आज आपके पास 2 रास्ते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए जबरदस्ती करेंगे, और हम ये कहें 2 रास्ते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे पास सेना है, पैसा है, एनिमेशन है, वो एम्यूनेशन है जो कहते हैं उसको, बंदूकें हैं, गोलीबारी है, सब कुछ है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही चीज है जिसके बलबूते अपन जी सकते हैं, सच्चाई, ईमानदारी और एकता, सबसे बड़ी बात एकता और नेकी। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग ढूंढ सकें जिसकी बात सुनील ने अभी करी, कि आप लोग ढूंढिए, एक तो ये मुद्दा है, दूसरा मैं कुछ कानून आपके सामने पेश करूंगा जिनको आपने जाके सर्च करना है, बोलने को बहुत कुछ बोलता हूँ, निडर इंडिया मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, मेरे नाम से सर्च करोगे तो नहीं आएगा, निडर इंडिया से आ जाएगा। ये जो एटीएस गई है, ये अब तीस्ता के ऊपर क्या क्या धाराएं लगाने वाली है, क्या क्या करने वाली है, इसके लिए इनके पास यूएपीए है और एनएसए है, देख लीजिएगा। इससे पहले भी 2 आईपीएस अफसर बंद हैं जेल में, इसी 2002 के कांड के लिए साफ साफ बताने वाले संजीव भट्ट,
वो तो बकायदा वो तो था ड्यूटी पे, वो तो बता रहे कि हम मैंने फोन किया था, मुझे मालूम है ये इसका करवाया, इसने कहा था कि होने दो जो नायक फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन वो तब से बाहर नहीं आ पाया है। इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए जीएसटी लाया गया, उद्योगपतियों को क्या लगा, बहुत अच्छा, एक देश एक टैक्स। पहले क्या होता था, वैट इकट्ठा करता था स्टेट, स्टेट इकट्ठा करके अपना हिस्सा रख के भेजता था सेंटर में, अभी क्या होता है सारा पैसा जाता है वहां पे, और फिर सेंटर भेजे भेजे ना भेजे ना भेजे, ऐसे ही पड़ी रहती है किस्तें। तो सारा स्टेट का इकोनॉमी सारा बैठा हुआ है। प्लान्ड स्ट्रेटजी, नोटबंदी किस लिए लाई गई, जो अगली नोटबंदी आने वाली है आपको काबू करने के लिए। मैंने बताया आपकी रोटी काबू हो गई, पानी बिजली और गैस सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, सबको आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया, सबका अब आने वाले टाइम में टीके के सर्टिफिकेट के साथ जोड़ देंगे। अब उसके बाद आपका सर्टिफिकेट अगर रेड ग्रीन है कि हाँ तो आपको रोटी मिलेगी, और अगर आपने नहीं लगवाया हुआ तो आपको नहीं मिलेगी। यही चीज अब पैसे से काम चला लेंगे हम। पैसा क्या है, थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं, पैसा केवल कागज का टुकड़ा है, और आज तो आपके पास कागज का टुकड़ा भी नहीं है, डिजिट्स हैं आपके मोबाइल में, आप जाकर के मोबाइल स्कैन करते हो उसको हो जाता है पे, फिर वो आगे स्कैन कर देता है हो जाता है पे, ना पैसा कैरी कर रहे हो आज के टाइम में। तो जो उस वक्त किया गया था 2016 में, वो आपको ये दिखाने के लिए था कि बेटा इससे भी बड़ी नोटबंदी आने वाली है, तुम समझ लो। अब उस वक्त नहीं बोले, अब फुल नोटबंदी आएगी, मालूम है इस बात का आपको। डिजिटल करेंसी लाने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है, आरबीआई इसके ऊपर नीति बना रही है, इस साल के दिसंबर तक ये हो जाएगा। आप जो आंदोलन कर रहे हो, जो लोगों से डोनेशन मांग सकते हो, आप आगे डोनेशन नहीं मांग पाओगे। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल करेंसी होगी वो प्रोग्रामेबल होगी। अगर आपने देवेंद्र को 100 रुपए दिए हैं और आपने ये कह के दिया है कि मैं रिक्शा का किराया दे रहा हूं, तो रिक्शा के किराए पे ही खर्च कर सकता हूं, रोटी खाने के लिए यूज नहीं कर सकता मैं उसको। दिस विल बी द डिजिटल करेंसी, प्रोग्रामेबल है। मेरा पूरा वीडियो पड़ा है इसके ऊपर जो पूरे मुल्कों में हो चुका है। वर्चुअल वर्ल्ड बन रहा है आपके लिए, पूरा ब्लॉकचेन। आप पूरे दिन में जो भी करते हो, आपका मोबाइल आपकी जासूसी करता है पूरी तरह से, किस टाइम उठे, किस टाइम कितना पैदल चले, कितना गाड़ी में चले, कितना ट्रैफिक में फंसे, और रखे रखे किन किन लोगों से बात की, कैसी कैसी बात की, इसका बास थोड़ा कम करना, कैसी कैसी बात की, कहां कहां ट्रांजेक्शंस किए, किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, किन दोस्तों को दिया, कैसी कैसी संस्थाओं को दान दे रहे हो, तो आपका पॉलिटिकल व्यू, आपका धार्मिक रिलीजियस व्यू सब कुछ बता रहे हैं वो। तो आने वाले टाइम में आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। फिर मोदी जी पोप से मिले थे, उनसे मिलने के पीछे खेल क्या है कि पूरी दुनिया में आर्मी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, पुलिस का काम सीसीटीवी कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, आर्मी होगी ही नहीं, करेंसी डिजिटलाइज होगी, धर्म केवल एक रहेगा, एक इस्लाम और क्रिश्चियन का मिक्सचर जो है वो धर्म बनेगा, बाकी सारे धर्मों को उस धर्म में विलय होना ही होगा। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके सामने आपके सारे भगवानों को मारेगा ये, और अब इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी अगर आज खड़े नहीं हुए तो। बड़े हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, विकास पाटनी ने चेक किया कि इस जो सुई दे रहे हैं इसके अंदर गाय के बछड़े का सीरम है कि नहीं, तो इसके बनाने के लिए जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई थी, तात्या टोपे ने जो कारतूस काटा और ये पता लगा कि इसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी है, वहां से ऐसी क्रांति हो गई। आज का हिंदू कहां मरा पड़ा भाई, तुम्हारे को जहर देने के लिए तुम्हारी गायें काटी जा रही है और हिंदू हृदय सम्राट इसको कटवा रहा है, बल्कि बिकवा रहा है, कोई चू नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब लोगों को लपेटे में लिया हुआ है। कौन है ऐसा धर्मगुरु जो लंगोट का पक्का है, सबकी सीढ़ी बनी हुई है, चू नहीं कर सकता। नहीं तो बड़े बड़े साइंटिस्टों को ला के बिठा देते हैं, ये ना इसरो का साइंटिस्ट,
ये ना WHO का साइंटिस्ट, ये फलाना डॉक्टर। अरे 2 करोड़ रुपए दे के जो डॉक्टर बनता है वो आपको स्वस्थ रखेगा क्या? जो जो छोटे छोटे टेस्टों में 15-15 रुपए के टेस्टों में भी कमीशन खाता है वो आपको सब स्वस्थ रखने की बात करेगा? वो तो दवाई कंपनियों का एजेंट बन के बात करेगा। कंक्लूड करें, बस 2-3 बातों पे, सिर्फ 2 बात और कहूं, इजाजत है तो। जी सर, थैंक यू। पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में पता होगा आप लोगों को, किस किस को नहीं पता है, किस किस को नहीं पता है बोलना चाहिए। चलिए, पब्लिक हेल्थ बिल, पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है आपको। 2 चीजें जो सबसे खतरनाक आ रही हैं, पब्लिक हेल्थ बिल और पेंडेमिक ट्रीटी WHO की। पब्लिक हेल्थ बिल क्या कहता है? अगर सरकार को यह शक है कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान, अनाज, कपड़े, बेड, कोई व्यक्ति, सब्जी, जानवर, आपका पेट, आपका कुछ भी वायरस कैरी कर रहा है, केवल शक, कंफर्मेशन नहीं, शक के आधार पर वो उसको डिसइंफेक्ट एंड डिसइंसेक्ट कर सकते हैं। और आपको जब शुरुआत में जाओगे तो उस डिसइंफेक्शन और डिसइंसेक्शन की डेफिनेशन में आता है, मतलब जर्म फ्री कर देना, मार देना या जला देना। आपके घर पे डाउट है, आपके ऊपर डाउट है, तो आपको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं वो, पूरे मोहल्ले को भी। वो जो ऐप है ना, नई आरोग्य सेतु, वो बताती है आप कहां से आए हो। जब ये पता लगेगा ना कि यहां पे क्या खेल खेला था इन्होंने, साइकोलॉजिकल आपको नहीं मालूम है, आयुर्वेदा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई साहब अगर आप अप्रैल के महीने में मीठा खाओगे तो बुखार होगा आपको 100%। हमारे यहां तो शादियां उस महीने में होती हैं, तो हम शादियों में जाते हैं, मीठा खा के आते हैं और हम लोग बीमार पड़ते हैं, गले खराब होते हैं। इन्होंने बना दिया उसको हवा कि शादियों में इन्फेक्शन फैला था, समझे, क्योंकि मांस होता है वहां से बीमार। अब ये कहते हैं अगर आपके आपके अंदर वायरस होने के चांस है, कि आज इस भवन में हम लोग इकट्ठे हुए, आरोग्य सेतु ऐप ने बताया कि यहां तो 300-400 लोग इकट्ठा हो गया था और वो सबके घर पे मैसेज चला जाएगा, सरकार बताएगी कि तुम्हारे अंदर वायरस होने के चांसेस है, तो आपकी बहू बेटी या आपको किसी को भी जबरदस्ती बिना वारंट के, ये लिखा हुआ उसके अंदर, बिना वारंट के उठा के लेके जा सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, और जैसे दूसरी लहर में हुआ कि आपको फिर सफेद चादर में लपेट के भी दे सकते हैं। और 14 दिन क्वारंटाइन के दौरान हमारी बहू बेटी के साथ क्या होगा वो जाने, बॉडी थोड़ा पकड़ाएंगे आपको वापस। उससे भी कमाल की बात नेशनल हेल्थ बिल के अंदर लिखी हुई है कि आप किसी अफसर ने अगर गलती कर दी, भाई गलती से कुछ गलती हो गई उससे हमारे साथ मान लो, तो आप उस अफसर के खिलाफ कहीं कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया था, वो आपका भला करना चाहता था। उससे भी बड़ी बात क्या लिखी हुई है इसी नेशनल हेल्थ बिल में कि मान लो गलती से आप कोर्ट में चले जाओगे तो भारत की किसी कोर्ट के को ये आदेश नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन ही ले ले, यानी कि जो वो चाहेंगे वो करेंगे आपके साथ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और WHO की जो ट्रीटी है अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ है कि आपके देश का संविधान, आपका कानून, जो नीलेश भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है, पर कानून जब तक इंप्लीमेंटेड होगा तभी तक तो उससे ऊपर कुछ नहीं है ना। अगर संविधान ही ट्रीटी के अंडर आ जाएगा, अगर देश का कानून ही वहां आ जाएगा, किस कैसे अधिकार और कैसी रक्षा, सब खत्म। बीज का कानून आ रहा है, आप बिना परमिशन के, सरकार की परमिशन के आप बीज नहीं बो सकते। पानी का कानून, एनवायरमेंट का कानून, ढेरों कानून है जो ढूंढ लीजिएगा। अब एक आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन, बचोगे कैसे? एक व्यवस्था, आपको अपनी रोटी, अपना पानी, अपना समाज, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार, आपस में मिलके समाज को तय करना पड़ेगा, सरकारों के भरोसे नहीं बैठ सकते। एकमात्र सलूशन है ये। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते, यकीन मानिए किसी ने ठेका नहीं ले रखा है आपके बच्चों के लिए।
आज से ही 1 का 10 गुना करना शुरू कर दीजिए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए, संख्या को बढ़ाना शुरू कीजिए, जो लोग साथ आते हैं साथ आ जाइए, नाम की चिंता मत करिए। हमने वहां 35 संगठनों को साथ मिलकर जनता सरकार मोर्चा बनाया कि भाई हमारा कोई नाम नहीं, कोई प्रधान नहीं, कुछ नहीं, तुम मालिक हो, तुम्हारे में से किसी भी आदमी के साथ अगर कोई भी अन्याय सरकार करेगी तो 35 के 35 संगठन इकट्ठे होकर दरवाजे पहुंच जाएंगे। 4 बार गए थे, किसी की हिम्मत नहीं आज सरकारी अफसर को कुछ भी करने की। तो आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग जिस संगठन में हैं, जैसे भी हैं, सारे मिलकर के कोई भी एक प्लेटफॉर्म, नाम कोई चूज करिए जो आपको लगता है, इकट्ठे होइए। और गुरु महाराज जी आदेश करेंगे कि इकट्ठे होकर के इन विदेशी ताकतों को जड़ से उखाड़ना है तो हम लोग यकीनन कर देंगे। बस आपसे गुजारिश यह है, अकेले अकेले मत ना बढ़िए, ना किसी को रहने दीजिए, इकट्ठे होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, कोई गलत बात निकली तो माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।